नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, न्यूज फन 11 देख रहे हैं आप। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर दरभंगा के लक्ष्मी सागर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं इसके बाद मंदिर परिसर में कलश स्थापित किया गया। आपको बता दें कि लगभग हजारों से ज्यादा की संख्या में लोग कलश यात्रा में शामिल हुए थे। कलश स्थापना से पहले मंदिर के पुजारी समेत मंदिर समिति के अन्य सदस्य व श्रद्धालु कलश में जल भरने नदी के किनारे पहुंचे। यहां श्रद्धालु ने आराधना की और कलश में जल भरकर कलश यात्रा निकालते हुए मंदिर पहुंचे। वहीं मंदिर समिति के सदस्य पूरी तरह सक्रिय दिखे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिला की टीम भी बनाई गई थी जो कलश यात्रा को सुचारू ढंग से मंदिर से लेकर गंगवारा के रास्ते फिर मंदिर परिसर तक लेकर गई। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए पानी और शरबत का इंतजाम मंदिर समिति द्वारा कराया गया था। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्तों द्वारा माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से मान सम्मान में वृद्धि और अच्छी सेहत प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र अति प्रिय है। बताते चले कि नवरात्र में 9 दिन मंदिर में विशेष रूप से पूजा की जाएगी। पहले दिन कलश यात्रा, कलश पूजन, शैलपुत्री पूजन, दर्शन, आवरण, चंडी पाठ और त्रिकाल आरती का आयोजन का कार्यक्रम होता है। इसी तरह नवरात्रि में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। 4 अक्टूबर को नवमी के दिन शाम 7 बजे से भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ भजन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण लोग ठीक से दुर्गा पूजा नहीं मना सके थे। वहीं इस बार लोग काफी उत्साह के साथ पूजा कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु की भीड़ भी माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए उमड़ पड़ी है। पूजा हम लोग 2 साल कोरोना काल में बहुत पूजा को हम लोग बहुत स्लो ढंग से मनाए हैं। इस बार बहुत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ साथ दुर्गा पूजा भी हम लोग भव्य करने जा रहे हैं। उसमें महिला के लेकर महिला जो है सदस्य है जो महिला को एकत्र करके चलेंगे और पुरुष जो होंगे तो पुरुष जो अलग व्यवस्था में चलेंगे। उसमें पुरुष ही सदस्य रहेंगे, महिला सदस्य अलग रहेंगे, जो महिला को ही संभालेंगे। और पुल पर हम लोग ने अगला बार जो घटना घट गया था जिसके वजह से हम लोग पुल पर कोई काम नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि पिछले बार एक आदमी की वहाँ मौत हो गई थी। इसके वजह से हम लोग ने वहाँ साधारण काम किया। अच्छे तरीके से भव्य आयोजन किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पे जो हमारी माताएं आती हैं उनचा बने के उनके लिए पंडाल का निर्माण कराया गया है। इस बार 2 साल कोरोना के बाद जो 2 साल कोरोना बंद था सब कुछ, इस बार थोड़ा सा सब कुछ खुला हुआ है। इस बार श्रद्धालुओं का थोड़ा सा ज़्यादा आगमन होगा। हम लोग पूरी प्रबंध के साथ यहाँ पर पूरी प्रबंध किया हुआ हम लोग कमेटी के द्वारा, अपनी कमेटी के द्वारा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी भी रखी गई है, फर्स्ट एड की व्यवस्था सारे कुछ, पूरा मेडिकल वेडिकल पूरा फायर पूरा सब कुछ सारे जगह पर फायर ब्रांड का लगा हुआ है। सब कुछ कोई कहीं दिक्कत नहीं है। पूरा सब कुछ हम लोग गेस्ट रूम वगैरह बनाए हुए हैं, मेडिकल चेकअप के लिए बनाए हुए हैं। पूरा सब कुछ व्यवस्था टाइट है। पूरा मिनरल वाटर सब का व्यवस्था पूरा पूरी तरह के और उल्लास के साथ हम लोग कोरोना के बाद जो मैया का आगमन हुआ है हम लोग चाह रहे हैं सारे समाज के लोग एक होकर के मैया का आराधना करें और जो भी समस्याएं हैं मानव जाति की इस पृथ्वी पर वो समस्याएं मैया इस बार अपने साथ जो कोरोना की तरह जो बहुत बड़ी महामारी आ गई थी इसी रूप से खत्म तो हो गया है सरकार के द्वारा, लेकिन पूरे रूप से मैया इसको अपने साथ लेकर चले जाए जो जन कल्याण। क्या क्या व्यवस्था है, कितनी कलश यात्रा निकली है इस बार? लगभग कलश की अगर बात करते हैं तो 1000 से ऊपर कलश लगभग हमारे हर साल निकलता है। 2 साल से कोरोना काल था इसलिए वो नहीं निकल रहा था, इस बार निकला है। हमारी माँ हमारी बहन दोस्त के साथ हिस्सा ले रही है। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।